नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के 9 कथनों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनको 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में दिए गए भाषण के कारण पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली। रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य रहे विवेकानंद को सम्मानित करने के लिए 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। तो ये हैं उनके 9 अनमोल कथन। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दिन में एक बार स्वयं से बात जरूर करो, अन्यथा आप संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से मिलने से चूक जाएंगे। हमारे देश को नायकों की जरूरत है। नायक बनो, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ, तुम्हारे अनुसरणकर्ता खुद बढ़ जाएंगे। कुछ सच्चे ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक वर्ष में एक सदी की भीड़ से भी अधिक कार्य कर सकते हैं। मृत्यु तो निश्चित है, एक अच्छे काम के लिए मरना सबसे बेहतर है। पहली बार में बड़ी योजनाओं को मत बनाओ, लेकिन धीरे धीरे शुरू करो। अपने पैर जमीन पर रखकर आगे और आगे की तरफ बढ़ते रहो। धन पाने के लिए कड़ा संघर्ष करो, पर उससे लगाव मत रखो। छल और पाखंड के माध्यम से किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्यार, जुनून और असीमित ऊर्जा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप भगवान में तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद में विश्वास नहीं करते।